भाई पानी देखो। इतना सारा पानी, ये देखो पूरा का पूरा जो है ट्रैक्टर ही पलटी हो गया है। इतना सारा जो है इसमें माल भरा हुआ था। ये पहाड़ देखो क्या मस्त लग रहा है, अभी धूप भी नहीं है तो अच्छा लग रहा है। ये देखो गाड़ी अपनी फुल लोड हो चुकी है यहाँ पे, और होटल क्रिस्टल में यहाँ पे रुके हुए थे हम, होटल HM क्रिस्टल। और गर्मी इतनी है कि पूरा पसीना, देखो पसीना, ये बैग बांधते बांधते जो है पूरा पसीना हो चुका है। और तो अभी निकलने की बारी है, भैया जो है वो लेट निकलेंगे क्योंकि जाना है, हमें जाना है पूना, तो निकलते हैं जैसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग सही होंगे। तो बैग वैग सब बांध दिए, बस निकलने की देरी है, तो हेलमेट पहनते हैं निकलते हैं। ऑलरेडी जो है 8:24 हो चुके हैं। ओह, बाकी है चंडीगढ़ की सुबह। सुबह है 8:30 बजे पर गर्मी इतनी हो रही है, बाप रे। वैसे हम लोग जो है अभी जा रहे हैं जयपुर होके जा रहे हैं। मैं सोच रहा था जयपुर जो है हम दिल्ली साइड से निकले, बट दिल्ली में हुई है बहुत तेज़ बारिश। तो पता नहीं अगर वो साइड अगर बारिश है तो हमें बहुत लेट हो जाएगा, और रोड वगैरह मतलब अच्छा खासा फ्लड आया है वहाँ पे, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम जो जिस रास्ते आए थे उस रास्ते ही चलेंगे। यहाँ पे ना सेक्टर 42, 41, 40, 53, 54 ऐसे ऐसे, ये हिसाब मुझे समझ में नहीं आता सेक्टर वाला। चलते हुए इतना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, क्योंकि बाकी बैग बांधते हुए तो मेरी जान निकल गई थी। ये देखो पूरा का पूरा जो है ट्रैक्टर ही पलटी हो गया है। इतना सारा जो है इसमें माल भरा हुआ था, पूरा जो है चारे के साथ पलटी हो गया इतना सारा। ओवरलोड करोगे तो वो पलट ही जाएगा। इतना ओवरलोड भर के लेके जाओगे तो फिर तो पलट नहीं है गाड़ी। तो पानीपत सीधा, ओके। कुछ खाते हैं यहाँ पे क्योंकि भूख लगी है, और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छे से।
करनाल हवेली ढाबा, बर्गर किंग भी है वहाँ पे, सबवे है, स्टारबक्स है। ये रहा अपना ब्रेकफास्ट, वहाँ पे डोमिनोज था तो मैंने एक गार्लिक ब्रेड ले लिया। काफ़ी लेट ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और ये हाईवे पे कुछ मिल भी नहीं रहा था तो सोचा कि यहाँ से एक जो है गार्लिक ब्रेड ले लेता हूँ और खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो खाता हूँ और निकलते हैं फिर। हो गया अपना नाश्ता, अब जो है सीधा 100 किलोमीटर बाद रुकेंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक रिक्शास बहुत चलते हैं यहाँ पे, फिर मैंने उज्जैन में भी देखे हैं तो ये ऐसे रिक्शा ज़्यादा चलते हैं, ई रिक्शास। हमें जब ऊपर से जाना था हम लोग नीचे आ गए, कोई नहीं आगे से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो पहले हम जा रहे थे पानीपत से अंदर के साइड से हम जाने वाले थे राइट लेके, बट अभी जो है मैं सोच रहा हूँ कि आगे जो है सोनीपत से भी अंदर हम जा सकते हैं, सीधा जो है पानीपत के बाद जो है सोनीपत लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से चला जाता है क्योंकि ये हाईवे अच्छा है तो जल्दी जो है अपना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। यहाँ पर टाइम भी कम दिखा रहा है गूगल मैप्स में, तो चलते हैं सीधा सोनीपत होके ही चलते हैं। अब टाइम कम दिखा रहा है तो कम लगना चाहिए, बाकी तो अब पता नहीं, गर्दी बहुत है। पीछे तो देख ले मेरे भाई, लो आ गए हाईवे पे। फाइनली पीछे गर्दी था बहुत, सोनीपत आ चुका है। सोनीपत से राइट लेना है हमें, अंदर जाना है। यहाँ पे बहुत गंदगी है, यहाँ पे बहुत गंदी बास आ रही है पूरा, यहाँ ये साइड और ये साइड दोनों साइड गंदगी है। तो चंडीगढ़ से 300 किलोमीटर अभी तक हम चल चुके हैं और अभी बजे है 3 बजे हुए और 300 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी भी जो है जयपुर 200 किलोमीटर बाकी है। बाकी ये नज़ारा देखो क्या ही मस्त, बस गर्मी थोड़ी हो रही है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी गर्मी हो रही है। अभी जो है रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा, गुड़गांव 48 किलोमीटर्स। आएगा अभी सीधा
देखो ये तरफ फुल बारिश हुई है, पूरा पानी पानी है और ट्रैफिक लगा हुआ है बहुत। हम ये साइड से चलते हैं। ये लाइन में ट्रैफिक देखो कितना लंबा ट्रैफिक है ट्रकों का, देखो ये देखो अभी भी बहुत, पहले से मैं देख रहा था बहुत लंबा ट्रैफिक था। किलोमीटर हो चुके हैं आज के, आगे धूप जो है वो सामने से आ रही है, पहाड़ देखो सामने, हाय हाय। बट हाईवे क्या मस्त है यार, ये हाईवे जो है बहुत ही सही है, बहुत ही मस्त हाईवे है, एकदम खुला और एकदम सही हाईवे है। जयपुर सिटी 45, अजमेर 175, शिखर 107। पहुंच गए जयपुर, फुल बारिश हो रही है लगता है, देखो पूरा गीला है रास्ता, जयपुर में तगड़ी बारिश है लग रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है देखो। कितना सारा पानी भरा हुआ है, जबरदस्त बारिश हुई है लगता है। ओ भाई पानी देखो, कितना सारा पानी, पहुंच गया होटल और जल्दी पहुंचा मैं, पहुंच के मैंने खाना वगैरह खा लिया और नीचे जाके आया मैं, बाइक वॉश करवानी थी बट सब बंद हो चुका है, तो कोई नहीं आज जल्दी सो जाएंगे, कल सुबह जल्दी उठेंगे और निकलेंगे क्योंकि हमें जो है बहुत दूर जाना है, इंदौर से भी आगे का टारगेट है आज पहुँचने का, तो सो जाता हूँ, निकलते हैं कल सुबह। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू गॉट इट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।